अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 9 में अब एक और फैमिली है जिसके नाम है फैमिली मिमोससी, जिसको एकेशिया फैमिली भी कहते हैं। नाउ अगेन स्टार्टिंग विद इनफ्लोरेसेंस, जो कि अरेंजमेंट होती है फ्लावर्स की ऑन द प्लांट। तो हमारे पास इनफ्लोरेसेंस मिमोससी के अंदर मिलती है, वो रेसिमोस है कि जिसके अंदर आपको टॉप पे जो मेन एक्सिस है उसके टॉप पे फ्लावर नज़र नहीं आता, और जो पुराने फ्लावर्स हैं, जो ओल्ड फ्लावर्स हैं, वो नीचे की तरफ होते हैं और जो यंग फ्लावर्स हैं वो ऊपर की तरफ आते हैं। फ्लावर्स जो होते हैं इसके अंदर वो एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, यानी उन्हें आप अगर आप वर्टिकली काटें, या आपके पास अगर एक फ्लावर है, ठीक है, अगर आप उसके सेंटर से गुजारते हुए ब्लेड लेके जाएँ इस तरह से काटें या इस तरह से काटें, तो वो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, तो वो एक्टिनोमॉर्फिक कहलाता है। ठीक है, और एक्टिनोमॉर्फिक के लिए जो साइन होता है वो ये होता है, सर्कल के अंदर आप एक क्रॉस बनाते हैं, तो दिस इज़ एक्टिनोमॉर्फिक। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, इसके अंदर एंड्रोशियम भी आपको नजर आएगा और गायनोशियम भी आपको नजर आएगा। अगर आप यहाँ देखें तो एंड्रोशियम भी और गायनोशियम भी है, तो ये साइन जो है ये शो करता है कि ये बाइसेक्सुअल प्लांट है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। हाइपोगाइनस, ओवरी की जो कंडीशन होती है वो हाइपोगाइनस है, यानी ओवरी जो है वो सुपीरियर होगी, ओवरी ऊपर होगी और बाकी चीज़ें ओवरी के नीचे होंगी। इसको हम शो करते हैं जी के नीचे बार लगा के, तो दिस इज हाइपोगाइनस। ब्रैक्टीएट, ब्रैक्ट्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, यानी सबसे आउटर रीजन, सबसे आउटर लेयर जिसे आप कैलिक्स कहते हैं, उसके बाहर कुछ और लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, दीज आर नोन एज ब्रैक्ट्स, तो इसको हम ब्रैक्टीएट कहते हैं। ब्रैक्ट स्मॉल होता है, स्मॉल और लार्ज जो वी डोंट केयर। नाउ कैलिक्स जो है हमारे पास, उसकी अगर हम बात करें तो सेपल्स हैं, सेपल्स से बना होता है कैलिक्स, और पाँच हैं। अब इनकी कंडीशन क्या है, इनमें भी इम्ब्रिकेट भी हो सकता है और वेल्वेट भी हो सकता है, बट जनरली फ्यूज, तो दोनों कंडीशन हो सकती है। वेल्वेट का मतलब ये है कि इसके अंदर कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, इम्ब्रिकेट का मतलब वही है कि एक बाहर होगा एक अंदर होगा और बाकी अंदर बाहर अंदर बाहर ओवरलैप कर रहे होंगे और ओवरलैप हो रहे होंगे, बट दे आर जनरली फ्यूज। तो इसके अंदर कैलेक्स को कैसे रिप्रेजेंट किया, फाइव सेपल्स हैं और फ्यूज हैं, तो ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, पेटल्स की अगर हम बात करें तो पेटल्स भी पांच हैं और इनकी जो एस्टिवेशन है वो है वेल्वेट, यानी इसके अंदर कहीं पर भी ओवरलैपिंग नहीं होगी, फ्री भी हो सकते हैं, फ्यूज भी हो सकते हैं, बट देर इज़ नो ओवरलैपिंग। तो कोरोला जो है वो पांच फ्री भी हो सकते हैं और फ्यूज भी हो सकते हैं, बट इनकी जो एस्टिवेशन है वो वेल्वेट होती है। एंड्रोशियम की अगर हम बात करें तो पाँच से लेकर न्यूमरस स्टेमन हो सकते हैं, यानी नंबर पाँच भी हो सकता है और फिर इनफाइनाइट भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं, कई बार 10 और 4 भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, दैट इज़ वाई आपको यहाँ पर मिलेगा इनफाइनाइट भी हो सकता है, या फिर 10 हो सकते हैं, या फिर 4 हो सकते हैं, या 5 हो सकते हैं। फ्री हैं, फ्यूजन नहीं है, मोनोडल्फस कंडीशन है, यानी जो भी होते हैं एक ही ग्रुप के अंदर होते हैं, फेबैसी की तरह नहीं है कि 9 अलग और एक अलग, एक ही ग्रुप के अंदर होते हैं, सारे के सारे एक ही बंडल के अंदर होते हैं। ठीक है, एंथर वर्सेटाइल होता है, यानी डिफरेंट शेप का होता है। गाइनोशियम की अगर हम बात करें तो सिंपल पिस्टल है, एक कार्पल है। ठीक है, सिंपल पिस्टल एक कार्पल है, तो एक यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। ओवरी यूनिलॉक्युलर है, अगर आप ओवरी को काट के देखेंगे तो एक ही चेंबर आपको नजर आएगा, ऐसा नहीं है कि इस तरह से डिवाइडेड हो दो में या चार में, तो एक ही चेंबर है। ओवरी सुपीरियर है, ठीक है, ओव्यूल बहुत सारे हैं। प्लेसेंटेशन इसके अंदर भी मार्जिनल है, मार्जिनल का मतलब अगर आप ओवरी को काट के देखेंगे तो किसी एक दीवार पर आपको ओव्यूल जो है वो इस तरह से लगे हुए नजर आएंगे। ठीक है, सो दिस इज फ्लोरल फार्मूला, ये एक्टिनोमॉर्फिक को शो कर रहा है। दिस इज बाइसेक्सुअल, कैलेक्स जो है वो फाइव फ्यूज्ड हैं, कोरोला जो है वो फाइव फ्री भी हो सकते हैं, फ्यूज भी हो सकते हैं, एंड्रोशियम न्यूमरस भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 4 भी, और गाइनोशियम जो है ओवरी सुपीरियर है, दैट इज वाई जी के नीचे बार लगा हुआ है, और कार्पल जो है वो एक है। डायग्नोस्टिक कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो फाइव फ्यूज सेपल्स हैं, ठीक है, फाइव फ्यूज सेपल्स, फाइव फ्री या फ्यूज पेटल है, दोनों कंडीशन हो सकती है। एंड्रोशियम जो है वो मोनोडल्फस है और जो गाइनोशियम है वो मोनोकार्पिलरी है। ना डायग्राम की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास पोर्शन ऑफ द शूट है, ये दिखाया हुआ है, दिस इज द फ्रूट, दिस इज द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द फ्लावर एंड दिस इज द डायग्राम, ये जो है ये शो करता है ब्रैक्ट को, ये पिछले डायग्राम के अंदर भी था, आई थिंक मैं बताना भूल गया, सो दिस शोज द ब्रैक्ट। ठीक है, ये ब्रैक्ट को शो करता है जो कि कैलेक्स के बाहर लीव्स मौजूद होता है। सो दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट, ये मदर एक्सिस है, यहाँ से ये अटैच है प्लांट के साथ। ठीक है, अच्छा, आप ये बहुत सिंपल सी फ्लोरल डायग्राम है, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो कैलेक्स की कंडीशन देखें, ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, ये पांचवा है, और इनकी जो एस्टिवेशन है वो वेल्वेट है, कहीं पर भी आपको ओवरलैपिंग नज़र नहीं आ रही, जहाँ एक ख़त्म हो रहा है वहाँ से दूसरा स्टार्ट हो रहा है और ये आपस में फ्यूज्ड है, तो फ्यूज सिचुएशन है और वेल्वेट एस्टिवेशन है। सेम एस्टिवेशन कोरोला की है, 1 2 3 4 5, जहाँ एक ख़त्म हो रहा है वहाँ दूसरा शुरू हो रहा है, कोई ओवरलैपिंग हमें नज़र नहीं आ रही और जो एस्टिवेशन है वो वेल्वेट है। ठीक है, तो ये डायग्राम सबसे आसान होती है डायग्राम बनाना, इस वाले की जो स्टेमन नज़र आ रहे हैं वो न्यूमरस हैं, बहुत सारे स्टेमन जो हैं वो यहाँ पर शो किए गए हैं। इसके बाद जो गाइनोशियम है, इसको अगर आप देखें तो ये ओवरी है, ठीक है, ये मोनोकार्पिलरी है, यूनिलॉक्युलर है, एक कार्पल है, ठीक है, और उसके अंदर चेंबर भी एक है
और अगर आप देखें तो ओव्यूल एक तरफ लगे हुए हैं, दो ओव्यूल दिखाए हुए हैं, ये एक ओव्यूल है और ये दूसरा ओव्यूल है, तो ये दोनों एक ही वॉल पर है, ये वाली वॉल पर है, इस वॉल पे कुछ नहीं है, इस वॉल पे कुछ नहीं है, इस वॉल पे कुछ नहीं है, तो ये मार्जिनल प्रेजेंटेशन होती है जो कि फ्लोरल डायग्राम में हमें देखने को मिल रही है। नाउ दिस इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, अगेन वही तीन प्लांट्स, वुड मिल जाएगी, फ्रूट मिल जाएंगे, ऑर्नामेंटल पर्पजेस के लिए इस्तेमाल हो जाएंगे, ठीक है। नाउ स्पीशीज ऑफ एकेशिया, एल्बिजिया, ज़ाइलिया, दे रियल इंपॉर्टेंट वुड, तो उसे कंस्ट्रक्शन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है या फर्नीचर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है या फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एल्बिजिया लेबिक जो है ये प्लांट, इसकी वुड जो है ये कैबिनेट वर्क के अंदर या रेलवे कैरेजेस जो होते हैं उसके अंदर इस्तेमाल की जाती है। एकेशिया निलोटिका एक प्लांट है जिससे आपको अरेबिक गम मिलती है। कथा जो है जो कि पान के अंदर इस्तेमाल किया जाता है वो एकेशिया कैडिच्यू से मिलता है। लीव्स ऑफ एकेशिया निलोटिका जो है वो ब्लड प्योरीफायर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो ये कुछ इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स हैं। हमारे पास गार्डन प्लांट्स के तौर पे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिन्हें इस्तेमाल किया जाता है, लाइक माइमोसा पुडिका है जो कि बहुत कॉमन प्लांट है, टच मी नॉट, एकेशिया मेलानोक्सिलोन है, तो इनके जो प्लांट्स हैं उन्हें गार्डन के अंदर ऑर्नामेंटल पर्पजेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये इसके हमारे पास कॉमन प्लांट्स हैं जिनके बॉटनिकल नेम्स आपसे पूछे जाते हैं, एकेशिया निलोटिका विच इज़ नोन एज गम ट्री, एल्बिजिया लेबिक है, माइमोसा पुडिका जिसे टच मी नॉट कहते हैं, उर्दू में छुई मुई से कहते हैं, प्रोसोपिस ग्लैंडुलोसा, प्रोसोपिस से देवी का पौधा भी कहते हैं, एकेशिया कैटिचू जिसे कत्था प्लांट कहते हैं। तो ये मैं दिखा देता हूँ प्लांट्स। ऑलराइट, सो ये जो हमारे पास जो है वो एकेशिया निलोटिका है जिससे आपको गम मिलती है, अरेबिक गम जो है जिससे मिलती है, गम ट्री भी कहते हैं इसे एकेशिया निलोटिका को। दिस इज़ एल्बिजिया लेबिक जिसकी वुड जो है वो कैबिनेट वर्क के अंदर और रेलवे कैरेजेस के अंदर इस्तेमाल की जाती है। दिस इज़ एल्बिजिया लेबिक। दिस इज़ माइमोसा पुडिका, ये टच मी नॉट प्लांट है जिसको जब आप टच करते हैं या इसके अराउंड जो है वो वाइब्रेशन होती है तो इसके लीव्स जो हैं वो कोलैप्स कर जाते हैं, वो खुद ब खुद बंद होने लगते हैं क्योंकि उसके अंदर जो है वो ऐसा मैकेनिज्म होता है। यहाँ अगर आप देखें तो ये बिफोर है, ये जो है वो नॉर्मली अपनी लाइफ गुजार रहा था लेकिन किसी को कीड़ा काटा, उसने टच किया, तो टच करने पर इसके लीव्स जो हैं वो कोलैप्स हो रहे हैं क्योंकि इसके अंदर जो टर्गर प्रेशर होता है वो लॉस हो जाता है, कुछ मैकेनिज्म इसके अंदर होता है जिसकी वजह से इसके लीव्स कोलैप्स कर जाते हैं। दिस इज़ प्रोसोपिस ग्लैंडुलोसा which is called Devi, and this is the one which is called Acacia catechu जिसको कत्था प्लांट कहते हैं, जिससे आपको कत्था मिलता है जो कि पान वाले इस्तेमाल करते हैं। This is it, this is all about mimosa seed.